अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और यह है एक MSI का गेमिंग लैपटॉप जिसका मॉडल नंबर है MSI GL639SDK और इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो है 1,35,000 रुपये। जी हाँ, और आज हम लोग इसका करने वाले हैं फुल रिव्यू, जानेंगे कि आखिर ये कैसा है, क्या हमें इसे बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए और इस पर गेमिंग कैसी होती है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वरना आप ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को मिस कर जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो लैपटॉप है इसमें बहुत सारे अलग अलग मॉडल आते हैं, यानी कि इससे पहले i7, i5 ये सारे मॉडल आ चुके हैं। उससे भी पहले दोस्तों अलग अलग ग्राफिक्स कार्ड के भी मॉडल आते हैं, अलग अलग प्रोसेसर के भी मॉडल आते हैं। तो ये जो एग्जैक्ट मॉडल है दोस्तों इसमें मिलता है कोर i7 का 9th जनरेशन प्रोसेसर, जो कि ये 9750H प्रोसेसर, एच का मतलब दोस्तों हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है जो कि गेमिंग के लिए स्पेशली होता है। उसके बाद साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड है वो भी बिल्कुल ही नया इस्तेमाल किया गया है, जो कि है GTX 1660 Ti, यानी कि दोस्तों 1660 Ti का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अभी कुछ ही महीनों पहले लॉन्च हुई थी। तो बिल्कुल ही दोस्तों नया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। उसके बाद आपको इसमें मिल जाता है दोस्तों 16GB का रैम, जिसमें आप अलग से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक और खास बात क्या है इस लैपटॉप की, इसमें जो SSD स्लॉट मिलता है वो दो अलग अलग SSD स्लॉट मिलता है, यानी कि आप इसमें दो अलग अलग SSD लगा सकते हैं और एक एक्स्ट्रा दोस्तों HDD स्लॉट भी मिलता है। तो 1TB का हार्ड डिस्क पहले से लगा हुआ है और लगभग दोस्तों 256GB का SSD पहले से लगा हुआ है, तो आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अलग से दूसरा SSD भी लगा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी वगैरह के बारे में कैसा है। तो सबसे पहले अगर आप फ्रंट देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल ही दोस्तों खूबसूरत देखने में लगेगा। जी हाँ दोस्तों, MSI का जो गेमिंग लैपटॉप है या फिर किसी भी कंपनी का गेमिंग लैपटॉप देखेंगे तो वो बिल्कुल ही अलग ही लुक के साथ आता है, जो कि खूबसूरत लगता है देखने में। ये वाला दोस्तों आपका LED लाइट है जो कि रेड कलर जलता है, जब आप इस लैपटॉप को ऑन करेंगे तो जलेगा। उसके बाद आप इसका हिंज देख सकते हैं दोस्तों कि कॉर्नर में दो हिंज यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये हिंज भी काफ़ी बेहतरीन है। हालांकि हिंज का जो साइज है वो थोड़ा सा और बड़ा होता तो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन अगेन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हिंज भी दिया गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसे आपको जो है बीच से उठाना चाहिए आराम से। सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि ये बना है पूरा का पूरा प्लास्टिक से, हालांकि दोस्तों इतने प्राइस रेंज में हम लोग थोड़ा सा मेटेलिक फील जो है देख सकते हैं, थोड़ा सा मेटेलिक फील हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लेकिन पावर को देखते हुए, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी पावर दी गई है, 9750H यानी कि 9th जनरेशन का i7 प्रोसेसर दिया गया है और NVIDIA का दोस्तों GTX 1660 Ti दिया गया है, तो वो सब देखते हुए थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग के लिए यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी बनाई गई है। उसके बाद दोस्तों अगर आप पीछे की ओर देखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे अच्छी लगी, कुछ चीज़ें हैं जो कि अच्छी नहीं लगी। सबसे पहले दोस्तों लुक वाइज आपको देखने में ऐसा लगेगा पीछे का जैसे कोई प्रीडेटर हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें अच्छी है क्या चीज़ें अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी डेडिकेटेड स्लॉट नहीं दिया गया है कि अगर हमें रैम या फिर SSD को अपग्रेड करना है तो सिर्फ वही डेडिकेटेड स्लॉट को ओपन करके आसानी से अपग्रेड कर लें, यानी कि आपको पूरा का पूरा दोस्तों कैबिनेट को ओपन करना पड़ेगा अगर आपको अपग्रेड करना है। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ क्या है कि पीछे में जो ये वेंट्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े वेंट्स हैं, तो अगर आप किसी ऐसे जगह पर इस लैपटॉप को यूज़ करते हैं जहाँ पर डस्ट काफ़ी ज़्यादा हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वेंट के जरिए डस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अंदर जा सकते हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है। और मुझे अच्छी क्या लगी दोस्तों कि इसमें जो दोस्तों ग्रिपिंग दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिया गया, यानी कि देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 जगह रबर पैड दिए गए हैं। पीछे में भी दोस्तों आपको स्टैंड के लिए ये सारी चीज़ें दिए गए हैं, जिससे अगर आप इसे फ्लैट सर्फेस पर रखते हैं तो एयर ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आप इसे आसानी से फ्लैट सर्फेस पर रख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बात मुझे अच्छी लगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है नीचे की साइड में, जो कि काफ़ी अच्छे प्लेस पे दिया गया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसे हम लोग जो है ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग कुछ इस तरह से इसे ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने के बाद सबसे पहली चीज़ आप क्या नोटिस करेंगे कि 1,35,000 का होने के बावजूद भी इसमें जो हमें यहाँ पर मिलता है बिजेल्स वो काफ़ी ज़्यादा बड़े मिलते हैं। अब ये जो बिजेल्स है दोस्तों इसमें MSI का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स हम लोग आजकल देख रहे हैं उनमें बिजेल्स कम नहीं हो रहे, और ये एक शिकायत है मुझे गेमिंग कम्युनिटी से, ये एक शिकायत है मुझे गेमिंग लैपटॉप मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है तो क्या हुआ दोस्तों, क्या उससे ज़्यादा स्टाइलिश नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर गेमिंग लैपटॉप स्टाइलिश भी होने लगे अगर इस प्राइस रेंज में तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा, तो ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कि हाँ बिजेल्स बहुत ही ज़्यादा है। अगर बात कर ले दोस्तों उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ऊपर में आपको एक कैमरा मिल जाता है, और ये जो कैमरा है दोस्तों HD वेब कैमरा मिलता है। हालांकि दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा क्वालिटी आप मान सकते हैं, अगर आपको स्ट्रीमिंग वगैरह करना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसके जो कीज़ आप देखेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कीज़ दिए गए हैं, मुझे इस तरह से फुल फ्लेज्ड कीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिसमें नमलॉक जो है वो अलग से मिलता है। काफ़ी सारे दोस्तों गेमिंग लैपटॉप में आपने देखा होगा कि फुल फ्लेज्ड कीज़ रहते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ अच्छी क्या लगी कि यहाँ पर दोस्तों आपको डेडिकेटेड पावर बटन दिया गया है, क्योंकि नए नए लैपटॉप में ऐसा किया जा रहा है कि पावर बटन को इसी की में दोस्तों दिया जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे, डेडिकेटेड पावर की
होना जरूरी है। साथ ही साथ उसके बगल में आपको दो और कीज़ मिलते हैं, जिनमें से एक की है दोस्तों इसके लाइट का, और इसका जो LED लाइट है वो सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसका कीबोर्ड है उसका पर की LED लाइट चेंज कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों पर की LED लाइट इसमें मिल जाता है। तो एक बार हम लोग इसमें टैप करेंगे और ये जो है दोस्तों LED लाइट ऑन हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत जो है इसका LED लाइट लगता है, काफ़ी बेहतरीन RGB लाइट लगता है, और आप अलग अलग मोड में चेंज भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप चाहें तो इसमें इसका सॉफ्टवेयर आता है जिसके ज़रिए दोस्तों आप म्यूज़िक विजुअलाइज़र के तौर पर भी इन LED लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है देखने में। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कीज़ की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और फ्लेक्स ज़रा से भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फ्लेक्स अगर नहीं रहता है तो गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर से कीज़ दबाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है दोस्तों। तो कीबोर्ड के लिए मैं कहूँगा काफ़ी बेहतरीन उन्होंने कीबोर्ड दिया है, मुझे कीबोर्ड में कोई भी शिकायत नहीं है, खास करके LED लाइट जो है वो ज़बरदस्त है, लाजवाब है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस ट्रैक पैड की। ये ट्रैक पैड मुझे दोस्तों थोड़ा पसंद भी आया, पसंद नहीं भी आया। पसंद इसलिए आया क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्रैक पैड दिया गया, तो काफी अच्छी बात है, लेकिन ये ट्रैक पैड बहुत ही ज्यादा स्मूथ है दोस्तों, जिसके कारण आपको काफी ज्यादा दबा करके उंगली इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर ट्रैक पैड में थोड़ा सा डॉटेड टेक्सचर वगैरह होता तो हम लोग आसानी से इसे इस्तेमाल कर पाते ग्रिपिंग के तौर पे, लेकिन दोस्तों ओवरऑल नॉर्मली इस्तेमाल करने के लिए ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है हमें उतना अच्छा नहीं रहता है। साथ ही साथ काफी ज्यादा लेफ्ट में हमें ट्रैक पैड दिया गया है, तो जो राइट हैंडेड है उनको थोड़ा सा दोस्तों परेशानी होता है अगर आप ट्रैक पैड इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहां पर राइट हैंडेड हूं, और मगर मैं अगर मैं इस तरह गेम वगैरह खेलूं या फिर टाइपिंग करूं और मुझे ट्रैक पैड इस्तेमाल करना है तो उंगली मुझे यहां से उठा करके यहां लाना पड़ता है इस्तेमाल करने के लिए, तो थोड़ा सा और इधर होता ट्रैक पैड वो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता। इस ट्रैक पैड की एक और प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि अगर आप इसका कीज देखेंगे तो ये कीज थोड़ा सा ज्यादा दोस्तों हार्ड है, यानी कि इसे दबाने में हल्का सा ज्यादा पावर लगाना पड़ता है। हालांकि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मली ठीक है, बट दोस्तों वो फील नहीं आता, वो क्लिक की फील नहीं आता है। हल्का क्लिक होता है बट वो क्लिक की फील नहीं आता जो कि किसी और लैपटॉप में आते हैं। हालांकि ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है। साथ ही साथ 2-finger 3-finger स्क्रॉलिंग में भी दोस्तों ये ट्रैक पैड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है ड्यू टू स्मूथनेस, और साथ ही साथ इसका जो ड्राइवर मिलता है वो मिलता है सेनेप्टिक्स का। अगर विंडोज़ प्रिसीजन ड्राइवर होता तो और भी ज़्यादा बेहतरीन होता, बट कोई बात नहीं, सेनेप्टिक्स ड्राइवर वो भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, इसमें कोई भी इशूज़ नहीं, और विंडोज़ 10 के सारे जेस्चर को सपोर्ट करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि GeForce का GTX 16 सीरीज मिलता है, कूलर बूस्ट मिलता है, जॉइंट स्पीकर मिलता है, सब कुछ सही सही है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ पोर्ट्स वगैरह के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसका जो डिस्प्ले है दोस्तों वो मुझे पसंद भी आया कुछ मायनों में, और कुछ मायनों में पसंद नहीं भी आया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो डिस्प्ले दिया गया है वह एक IPS डिस्प्ले दिया गया है, और ये जो IPS डिस्प्ले है दोस्तों काफ़ी अच्छा कलर को रिप्रोड्यूस करता है, और काफ़ी अच्छा शार्पनेस भी दिया गया डिस्प्ले में। Full HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, प्लस नहीं दोस्तों Full HD वाला रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, तो काफ़ी अच्छा दिया गया। गेम खेलने वक्त नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल ही अच्छे से खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों पसंद क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों 1.5 लाख के लैपटॉप के आसपास है, यानी कि दोस्तों 1,35,000 का है, तो कम से कम 120 Hz और 144 Hz के आसपास होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों ये है फुल फ्लेज 60 Hz का, जो कि नॉर्मली किसी भी लैपटॉप में देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों इसी का मॉडल अवेलेबल है इंटरनेट पे, अगर आप लेना चाहें तो 144 Hz या 120 Hz इसी मॉडल में ले सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ये लैपटॉप बाय किया हमारे फ्रेंड ललित भाई ने, तो उनको ये ध्यान नहीं रहा कि वो चेक करें कि 144 Hz या 60 Hz है, और उन्होंने गलती से 60 Hz वाला उठा लिया। तो मैं MSI से कहूँगा कि अगर गेमिंग लैपटॉप बना रहे हैं तो 60 Hz का हमें जो है ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए, डायरेक्टली 144 Hz या 120 Hz रहे वही ज़्यादा बेहतरीन है, इससे लोगों को कंफ्यूज नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों एक ही मॉडल में जिसका नाम है GL63, उसी मॉडल में आप 60 Hz और 144 Hz रखोगे तो हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो कौन सा डिस्प्ले ले रहे हैं। तो ये दोस्तों 60 Hz है, चलिए कोई बात नहीं, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन दोस्तों एक और कमी है इस डिस्प्ले में, क्या कि अगर आप किसी और एंगल से देखते हैं तो ये जो है थोड़ा सा रेड टर्न हो जाता है, यानी कि अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं तो अभी तो फिलहाल काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन नीचे से दिखाऊं तो आपको हल्का सा रेडिश जो है फील होने लगेगा। रुकिए दोस्तों, मैं कोई व्हाइट बैकग्राउंड आपको खोल करके दिखाता हूं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा फैमिली इंटरटेनमेंट के लिए लेना चाहते हैं जिसमें चारों तरफ से 4-5 लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा दोस्तों फिल्म वगैरह के लिए ये थोड़ा सा रेडिश जो है ये हो जाता है किसी और एंगल से देखने पर। ये मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया, इस तरह के डिस्प्ले मुझे पसंद नहीं है। ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है नॉन रिफ्लेक्टिव पैनल्स, जिसमें दोस्तों कलर भी चेंज नहीं होता, लेकिन अगेन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी में कोई भी इशूज़ नहीं है, और गेम खेलते वक्त दोस्तों धांसू लगता है। हालांकि दोस्तों गेम खेलते वक्त आप हमेशा सामने से देखेंगे तो सामने से देखने में कोई भी इशू नहीं है, बहुत ही अच्छे से काम करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस लैपटॉप में हमें कौन कौन से पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा पसीने पसीने हो रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर ले पीछे में, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एयर वेंट दिया गया है,
और साथ ही साथ यहाँ पे एयर वेंट दिया गया है। तो पीछे में दो जगह पे तो एयर वेंट ही है, लेकिन और भी जगह एयर वेंट है। यहाँ पे राइट साइड में एयर वेंट देख सकते हैं और दोस्तों उसके बाद लेफ्ट साइड में भी एयर वेंट देख सकते हैं, यानी कि टोटली 4 एयर वेंट दिए गए हैं। गेमिंग लैपटॉप है, एयर वेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें दोस्तों इतने सारे एयर वेंट है। इसके वजह से गेम करते वक्त मुझे इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 65-70 से ऊपर देखने को नहीं मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है दोस्तों। तो टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहता है। हालांकि इतने ज़्यादा फैंस होने के वजह से दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा नॉइजी हो जाता है, यानी कि अगर आप हेवी गेम्स खेलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लैपटॉप का नॉइज़ आने को मिलता है। हालांकि वो नॉइज़ इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपके लाइव स्ट्रीम्स वगैरह में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों एक रिमार्केबल नॉइज़ आपको जो है सुनने को मिल जाएगा अगर आप हेवी गेम्स खेल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सभी फैंस एक साथ स्टार्ट होते हैं तो नॉइज़ तो आना ही है। उसके बाद दोस्तों पोर्ट्स की बात कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2 USB मिल जाते हैं दोस्तों राइट साइड में, जिसमें आप लगा सकते हैं USB 2.1 और 2.1 यहाँ पे मिल जाते हैं। एक दोस्तों SD कार्ड का स्लॉट भी आपको राइट में ही देखने को मिल जाता है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों लेफ्ट साइड की ओर काफ़ी अच्छे पोर्ट्स मिल जाते हैं, जो कि हर एक गेमिंग लैपटॉप में होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों ये होना चाहिए, यानी कि 2 अलग अलग आपको जो है ऑडियो जैक होना चाहिए, एक होना चाहिए दोस्तों माइक्रोफोन का, दूसरा होना चाहिए ईयरफोन का, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों यहाँ USB टाइप सी स्लॉट भी मिलता है, यहाँ पे दोस्तों USB 3.1 भी मिलता है, यहाँ पे आपको दोस्तों ये वाली HDMI पोर्ट, आप कह सकते हैं HDMI तो ये है दोस्तों, हालांकि ये प्रिंटर वगैरह में इस्तेमाल होता है या फिर आप डिस्प्ले वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये वाली पोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लैन पोर्ट मिल जाता है, ये काफ़ी झकास बात है, आजकल के नए लैपटॉप दोस्तों लैन पोर्ट को मिस कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। फ्रंट में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 3 LED लाइट मिल जाता है, जो कि अलग अलग पर्पज़ के लिए है, और उसके बाद दोस्तों और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छे पोर्ट सिलेक्शन मिल जाता है, पोर्ट सिलेक्शन में कोई भी कमी नहीं है, 3 USB पोर्ट, HDMI पोर्ट और LAN पोर्ट सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये जो दोस्तों लैपटॉप है काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक LED लाइट भी मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है। तो ये रहा दोस्तों पूरा का पूरा। शिकायत किस चीज़ से है, तो ये थोड़ा सा पतला हिंज से है दोस्तों पहला शिकायत, और दूसरा डिस्प्ले का टिंट से, और जो तीसरा पीछे हम लोगों को डेडिकेटेड नहीं मिलता है उससे, और चौथा दोस्तों ये जो है ये माउस ट्रैक पैड से, जो कि थोड़ा ज़्यादा स्मूथ पड़ जाता है जिसमें उंगली दबा के इस्तेमाल करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो जैसा कि इसमें आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा हार्डवेयर है दोस्तों, इसका जो हार्डवेयर है वो पूरा का पूरा गेमिंग के लिए बना गया है, तो इसमें दोस्तों हर चीज़ का जो परफॉर्मेंस है वो आपको ज़बरदस्त मिलने वाली है, चाहे आप गेम खेलें, चाहे दोस्तों आप इमुलेटर पे पबजी खेलें, चाहे आप PC पे पबजी खेलें। इमुलेटर पे पबजी पे दोस्तों मैंने फर्स्ट गेम में ही 22 किल कर दिया, तो वो अलग बात है दोस्तों, तो काफ़ी आसान हो जाता है इमुलेटर पे खेलना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने पबजी PC भी ट्राई किया और साथ ही साथ जस्ट कॉज 4 भी ट्राई किया और GTA 5 भी ट्राई किया। GTA 5 दोस्तों अब कोई बेंचमार्क नहीं रह गया किसी भी लैपटॉप के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे शो नहीं करूँगा। GTA 5 को तो कच्चा चबा जाता है दोस्तों ऐसे ही। लेकिन बात रहा जस्ट कॉज 4 का और पबजी PC का, तो मैं बता दूँ कि बिल्कुल भी 100% मैक्सिमम सेटिंग में तो पूरा स्मूथ 60 FPS नहीं आता है, 40-50 FPS के आसपास आता है अगर आप टोटली आप इसे इस्तेमाल करते हैं मैक्स आउट सेटिंग में, यानी कि पूरा का पूरा मैक्स कर देते हैं सेटिंग, तो पबजी PC और जस्ट कॉज 4 में दोस्तों ये जो है एकदम 40-50 FPS आता है। लेकिन अगर आप एक वेरी हाई स्पेसिफिकेशन पर रखते हैं, यानी कि दोस्तों मैक्स, वो भी दोस्तों मैक्स सेटिंग्स है लेकिन मैक्स से थोड़ा सा कम ही है, तो यहां पे दोस्तों समझ लीजिए कि एक मैक्स सेटिंग पे बिल्कुल आपको 60 FPS से भी ज्यादा देता है, यानी कि 70-80 FPS आपको जो है पबजी PC और जस्ट कॉज 4 आसानी से दे देता है। 60 FPS बिल्कुल बेंचमार्क है दोस्तों, आसानी से कोई भी गेम में आपको मिल जाएगा बिल्कुल मैक्स सेटिंग में अगर आप खेलना चाहते, इसमें कोई भी इशू नहीं है। मैंने गेम खेला, बहुत खेला दोस्तों पबजी PC और जस्ट कॉज 4, हालांकि पबजी PC बहुत ज्यादा हार्ड है पर जस्ट कॉज 4 थोड़ा आसान लगा, तो मुझे कोई भी इशू नहीं आया दोस्तों खेलने में, और जो क्वालिटी आ रहा था वो ज़बरदस्त क्वालिटी आ रहा था, मतलब गेम का जो क्वालिटी है दोस्तों मैं कहूँगा ज़बरदस्त था। तो वेरी हाई पे आराम से दोस्तों आप 40-60 FPS में स्ट्रीम कर पाओगे, इसमें कोई भी इशू नहीं है। कैमरा की क्वालिटी भी अच्छी है, तो स्ट्रीमिंग के लिए आपको अलग से कोई भी लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कैमरा, साथ ही साथ दोस्तों आपको वो हर चीज़ मिल जाती है जो कि स्ट्रीमिंग के लिए ज़रूरत है। साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़ क्या है कि इसमें जो लैन पोर्ट मिलता है वो आपका किलर का लैन पोर्ट मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट पोर्ट को सपोर्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट इंटरनेट को सपोर्ट करता है, तो स्ट्रीमिंग में आपको कोई भी इश्यूज नहीं आने वाले। अगर आप फुल HD रेजोल्यूशन में स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, 60 FPS में करना चाहते हो, आराम से इसमें कर सकते हो, नो इश्यूज विथ इट। 16 GB का रैम है, आराम से कोई भी गेम को हैंडल करता है, लेकिन बाद में आप रैम को अपग्रेड भी कर सकते हो, अगर आपको 32 GB करना है तो आप वो कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर दोस्तों सपोर्ट करता है, विंडोज 10 सपोर्ट करता है, इसमें कोई भी इश्यूज नहीं है, सब तो बोलने की बात नहीं दोस्तों। कोर i7 9th जनरेशन और GTX 1660 Ti, कोई भी एप्लीकेशन, चाहे आप ड्रॉइंग कर रहे हो, ऑटो कैड कर रहे हो,
करेगा, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हैंडल करेगा। इसमें बिल्कुल भी दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ऑटो कैड भी रखा हुआ हूँ, यहाँ पे दोस्तों ऑटो डेस्क का रिकैप वगैरह जो है, और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम की ज़रूरत ही नहीं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। और साथ ही साथ MSI का जो चीज़ें मिलती है दोस्तों, जैसे कि इसमें आपको PUBG PC फ्री मिलता है, जस्ट कॉज 4 फ्री मिलता है, जो कि आप बाद में रिडीम कर सकते हो, तो वो अच्छी बात है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं है। तो साथ ही साथ दोस्तों MSI का जो ये सॉफ्टवेयर वगैरह मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा है। साउंड का बात कर ले दोस्तों इसका, तो MSI का सॉफ्टवेयर मिलता है दोस्तों इसमें नाहिमिक नाम का, और अगर आप उसे ऑन कर देते हैं तो उसका जो साउंड क्वालिटी हो जाता है दोस्तों वो लाजवाब हो जाता है। मतलब साउंड क्वालिटी बहुत ही लाउड हो जाता है, बहुत ही हाई हो जाता है, और थोड़ा सा भी डिस्टॉर्ट नहीं होता है। मतलब साउंड क्वालिटी के मामले में मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट साउंड क्वालिटी मैंने देखा किसी भी लैपटॉप में, जो कि MSI की तरफ से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो साउंड क्वालिटी में भी कोई भी इशू नहीं है, बस आपको सॉफ्टवेयर से नाहिमिक को ऑन करना आना चाहिए। ओवरऑल दोस्तों लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। बात कर ले बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा। इसका जो बैटरी है दोस्तों वो आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे तक यूज़ आप कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं 4 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गेम खेल रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे तक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा हैवी है क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है, और हैवी है इसलिए आपको ट्रैवल कंपेनियन नहीं होता। लगभग दोस्तों 3 किलो से थोड़ा सा कम है, यानी कि 2.7 kg के आसपास आपको ये लैपटॉप मिल जाता है। अलग से और SSD ऐड करेंगे तो लगभग 3 किलो का हो जाएगा। तो लगभग दोस्तों 2.5 से 2.7 kg का है, तो इसलिए थोड़ा हैवी भी है, और साथ ही साथ बैटरी भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो गेमिंग लैपटॉप में किसी में भी बैटरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और कोई भी गेमिंग लैपटॉप दोस्तों अगर आप उसे गेम कर रहे हैं तो आपको चार्ज में लगा कर ही गेम करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पाए। बिना चार्ज के दोस्तों कोई भी लैपटॉप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो इसका जो चार्जर है दोस्तों वो 180 वॉट का चार्जर मिलता है, जो कि मैं क्या बताऊँ दोस्तों, ज़बरदस्त भारी सा चार्जर है जो कि काफ़ी अच्छे से इसको हैंडल करता है। तो ओवरऑल अगर आप मुझे पूछें क्या 1,35,000 में काफ़ी बेहतरीन लैपटॉप ये है, तो मैं कहूँगा जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त झकास लैपटॉप है अगर आप कोई भी 1,35,000 तक लेना चाहते हैं। हाँ, और भी अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, लेकिन इसका जो ग्राफिक्स कार्ड है, और साथ ही साथ ग्राफिक्स कार्ड के साथ दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहेंगे ओवरकिल भी हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी गेमर नहीं है तब आपको इसे लेना बिल्कुल भी तुक नहीं बनता है, क्योंकि ये स्पेशली गेमर्स वगैरह के लिए बनाया गया है, या फिर उनके लिए बनाया गया है जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों ओवरऑल बहुत झकास लैपटॉप है, जो कि आप इसे बाय कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी जानना है कि कैसा है, क्या हमें कुछ भी चीज़ें आपको जानना है, तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा, मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको इसे बाय करना है, 1.5 लाख तक अगर आपको कोई लैपटॉप लेना है तो ये ले सकते हैं। बाकी दोस्तों ओवरऑल बहुत झकास है। तो आज के वीडियो देखने शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद नहीं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।